वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पढ़ने का, दैट इज अबाउट एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रोनी, पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। चलिए हम एपोमिक्सिस से स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नई वीडियो से हम शुरू करेंगे अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिए एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस जो है वो एक्चुअल में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, एक्चुअल में वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, बट वो मिमिक करती है यानी कि नकल करती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों क्यों मिमिक करती है? क्योंकि इसमें सीड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सीड की फॉर्मेशन होती है, और सीड की फॉर्मेशन जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होती है, हमने पढ़ा है। बट लेकिन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं है तो वो क्या है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि गैमेट्स की फॉर्मेशन, फ्यूजन ये सब इसमें नहीं होती, तो एक्चुअल में दिस इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बट इट मिमिक्स द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। दिस वॉज द दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एपोमिक्सिस। अब देखिए, और ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं एपोमिक्सिस के थ्रू, उसको हम एपोमिक्ट बोलते हैं। अब इसकी जो एपोमिक्सिस की जो एडवांटेजेस हैं हमारे लिए या फार्मर्स के लिए, वो ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। जैसे कि आप स्पीसीज एस्ट्रेशिया और ग्रासेस, इस केसेस में एपोमिक्सिस जो है वो ज़्यादा होती है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं फार्मर्स के लिए, और एक्चुअल में एडवांटेजेस क्या हैं, और इसकी अब इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। अब देखिए जो फार्मर्स जो यूज़ करते हैं, दैट वो हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करते हैं। अब हाइब्रिड सीड्स कौन से होते हैं जिसमें अच्छे करेक्टर्स होते हैं? जैसे आप किसी भी लोकल फार्मर्स से आप पूछ सकते हैं कि जैसे अगर उन्होंने कोई अपने गार्डन में जैसे एक मिर्ची का पौधा उगाया है, तो उनकी जो जो मिर्ची के उसके सीड होंगे उस चिल्ली के, वो हाइब्रिड तरह के होंगे। हाइब्रिड मतलब जिसमें आपको सारे करेक्टर्स मिल जाएं, यानी कि आपकी मिर्च जो होगी वो ज़्यादा लंबी भी होगी, मोटी भी होगी, खाने में भी तीखी होगी। दैट आर द हाइब्रिड सीड्स, यानी कि आपने अच्छे अच्छे करेक्टर्स लिए और एक में डाल दिए। जैसे गन्ना, एक गन्ना है आपका मोटा है काफ़ी, लेकिन उसकी हाइट नहीं है, दूसरा गन्ना उसकी हाइट है लेकिन मोटाई नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों करेक्टर्स को एक जगह मिक्स कर देंगे, और जब आपका गन्ना मोटा भी होगा, लंबा भी होगा, ज़्यादा जूस भी निकालेगा, ठीक है, आपने थोड़े एरिया में उसको लगाया और वो ज़्यादा जूस भी निकालेगा, तो उन्हीं सीड्स को हम हाइब्रिड सीड्स बोलते हैं। यही फार्मर्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखो, है तो अच्छी बात है, हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं, आपको कम एरिया में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो अपने सीड्स को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। जैसे आपने एक साल मिर्ची का प्लांट लगाया, उस आपने सीड्स को प्रिजर्व करके रखा, दूसरी बार लगाया, तो आप तीसरी बार जो है उसको दोबारा जो है वो नहीं उगा सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द हाइब्रिड सीड्स। या तो आपको हर साल नए लेने पड़ेंगे हाइब्रिड सीड्स, या तो आपको दो तीन साल बाद जो है वो नए लेने पड़ेंगे। और हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो किसान के लिए कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है, दैट आर द प्रॉब्लम फेस्ड विद द हाइब्रिड सीड्स। दे आर कॉस्टली, और हर साल उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है, और देयर सीड, क्योंकि हम उनके सीड्स को बचा के नहीं रखते, ठीक है। जैसे आपने फसल उगाई, आपने बाकी सारी खाने के लिए यूज़ कर लिया, और जो उसमें जो अच्छे अच्छे सीड्स थे वो आपने निकाल के रख दिए कि हम हर साल लगाएंगे, हर साल लगाएंगे, तो हाइब्रिड सीड के साथ ऐसा नहीं है। उनमें क्वालिटी तो है, लेकिन उनको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। अब देखिए, और क्यों क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उनकी जो, देखो, कैन नॉट बी प्रिजर्व, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू चलते हैं, तो उसमें देखो मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो करैक्टर उनके सेग्रीगेट हो जाएंगे। जो करैक्टर आपने डाले थे वो आपको एक पीढ़ी तक मिलेंगे, दो पीढ़ी तक मिलेंगे, और उसके बाद अगली पीढ़ियों में वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसमें करैक्टर जो है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम क्या करेंगे? हम जो एपोमिक्सिस का यूज़ करेंगे, एपोमिक्सिस का यूज़ हम कैसे करेंगे? अब हाइब्रिड्स को हम एपोमिक्स में चेंज कर देंगे। अब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अभी हमने पढ़ा एक्चुअल में क्या है, एसेक्सुअल, बट वो मिमिक्स करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होगी, और वहाँ पे जो करेक्टर्स है वो
सेग्रीगेट नहीं होंगे, यानी अलग अलग नहीं होंगे हाइब्रिड प्रोजनी के अंदर। ठीक है, हाइब्रिड प्रोजनी का यूज करेंगे आप लोग, आपकी प्रोजनी हाइब्रिड है लेकिन आप वहाँ पे एपोमिक्सिस का यूज करेंगे। अब फार्मर जो है वो हाइब्रिड सीड्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें हर साल जो है अपने खेतों के लिए, अपनी फसल के लिए जो बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो ये था सारा अबाउट द एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस की डेफिनेशन आपको इसमें याद करनी है। अब आप ये भी इसमें समझ लेंगे कि क्यों हम एपोमिक्सिस करते हैं, फार्मर्स के लिए क्यों ज़रूरी है। इफ़ यू आस्क द लोकल फार्मर्स देन दे विल टेल यू कि वो अपने खेतों में कौन से सीड ग्रो करते हैं, हाइब्रिड सीड, जैसे गन्ने गन्ना ग्रो करते हैं हाइब्रिड, मिर्ची ग्रो करते हैं, मिर्ची का पौधा जितने भी लेके आते हैं उनकी क्या कॉस्ट पड़ती है और वो उस बीज को बचा के रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं तो क्यों और नहीं रख सकते हैं तो क्यों। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो आ गया है, दैट इज एपोमिक्सिस, लेकिन इसके ऊपर काम अभी चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉली एम्ब्रियोनी। एज अ वर्ड इंडिकेट्स, पॉली मीन्स मैनी एंड एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। ठीक है, जो हमने इसके केस में पढ़ा है प्लांट्स के केस में, तो जब बहुत सारे एम्ब्रियो जो बन जाते हैं उन्हीं को, उसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। तो इसमें हम देखते हैं जो बहुत सारे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, ये मैंगो की वेराइटीज हैं। वेराइटी वर्ड हम यूज़ प्लांट के लिए करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट तरह की किस्में हैं उस प्लांट वर्ड हम यूज़ करते हैं वेराइटी। प्लांट में हम यूज सॉरी प्लांट में हम यूज़ करते हैं वर्ड वेराइटी। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम उसमें यूज़ करते हैं रेसेस। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ साइट्रस एंड मैंगो। उसमें क्या होता है कि कुछ न्यू सेलर सेल्स, ठीक है, न्यू सेलर सेल्स जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यू सेलर सेल्स वो क्या करता है, जो कि एम्ब्रियो सैक के एम्ब्रियो सैक के सेंटर में है। आप डायग्राम देख रहे हैं, तो जैसे मान लो ये एम्ब्रियो सैक सेंटर में है और इसके अराउंड ये न्यू सेलर सेल्स है। अब इसमें से कुछ जो न्यू सेलर्स क्या करेंगे, वो एम्ब्रियो जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे, प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसेंगे और वहाँ पे अपने एम्ब्रियोस बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो एक एम्ब्रियो जो है वो पहले से है जो सेंटर में है, और उसके अराउंड जो न्यू सेलर सेल्स है उन्होंने एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर दिया अपना अपना। ठीक है, दिस तो इससे क्या होगा, बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे, उसी कंडीशन को हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोस, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोनी सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है। तो कौन से सेल बनाएंगे, न्यू सेलर सेल जब वो प्रोट्यूट कर जाएंगे एम्ब्रियो के अंदर, राइट। हमने ऐसे ओरिजिनल में पढ़ा है ना, सेंटर में एम्ब्रियो है और इस साइड में क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब आगे देखते हैं अबाउट पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और सीडलेस फ्रूट जो हैं वो इसमें बनते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इट इज़ द डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब सिंगल गैमेट से एम्ब्रियो डिवेल्प होगा तो विदाउट, लेकिन इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इसी को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। देखो दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, दोनों ही सीडलेस हैं। डिफरेंस क्या है, पार्थेनोकार्पी में जो एम्ब्रियो है वो एब्सेंट है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में जो है वो एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट हो रही है सिंगल गैमेट से, आइदर मेल गैमेट और फ्रॉम द मेल गैमेट, बट स्पेशली फ्रॉम द फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन जब डिवेलपमेंट होती है, इसी को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। जो पार्थेनोकार्पी है देखो, उसमें जो ओबरी है उसको हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे जो भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं आपके, आपने प्लस वन में पढ़ा है ग्रोथ हार्मोन्स हमारे होते हैं जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, जैसे हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए हार्मोन चाहिए ना, वैसे ही प्लांट को ग्रोथ के लिए हार्मोन चाहिए। तो हम इसको डायरेक्ट जो है इसकी ओबरी को हार्मोन दे देते हैं, और ओवरी दैट विल चेंज इनटू फ्रूट बट विदाउट सीड। ठीक है, इसी को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है सिंगल गैमेट से, लेकिन इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। देखो अब ये जो है वो बायोलॉजिकली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली मतलब जो फ्रूट आप खाते हैं, अगर देखो उसमें सीड जहाँ पे फ्रूट सीड जो है डिस्टर्बेंस पैदा करता है खाने में, तो उसको हम सीड को वहाँ से हम टोटली रिमूव कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन में सीड बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम सीड को रिमूव कर देते हैं,
ठीक है, तो हमारा जो वाटरमेलन क्या है वो है सीडलेस। और एक एग्जांपल देती हूँ, नेचुरल पार्थेनो काटती चलती ग्रेप में, जो ओरिजिनल सीड्स है ना आपके, वो हैं सीडेड है। जब आपने ओरिजिनल सीड, पता नहीं आपने खाए होंगे, लेकिन ग्रेप के अंदर भी सीड होता है छोटा सा। अब जो पार्थेनोकार्पी से जितने भी ग्रो किए गए हैं वो सारे क्या है, सीडलेस। आप डायरेक्ट खा लो, आपको सीड बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी। लेकिन जो पोमीग्रेनेट है ना, जो अनार जो हम खाते हैं उसके सारे सीड ही खाते हैं, तो उस ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पी से डिवेलप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो है हम सारा सीड ही खाते हैं। तो उस ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पी से डिवेल्प नहीं कर सकते। तो पार्थेनोकार्पी देखो, सीड जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, तो उसमें हम सीड को रिमूव कर देंगे कि हमें फ्रूट जो है वो बिना सीड के मिल जाए। पार्थेनोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, अब इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो गया, अब पार्थेनोजेनेसिस में करेंगे, इसमें एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट करेंगे सिंगल गैमेट से, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इट इज़ बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट। अब पार्थेनोजेनेसिस जो है वो एनिमल्स में भी होती है, प्लांट में भी होती है। जैसे हनी बी का अगर आपने एग्जाम्पल पढ़ेगा पढ़ा होगा ना, सेकेंड यूनिट में हम इसको पढ़ेंगे। अब हनी बी का आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, तो उसमें से वो भी पार्थेनोजेनेसिस से डिवेल्प होती है। उसके एग जो है वो डायरेक्ट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट विल चेंजेस इनटू द कंप्लीट इंडिविजुअल। बट यहाँ पे हम अगर प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट हो जाती है सिंगल गैमेट से, और यहाँ पे पार्थेनोगार्पी की बात करें तो एम्ब्रियो यहाँ पे एब्सेंट होता है, और ये बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे अबाउट द ह्यूमन।